आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, BHBC News में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी कहे जाने वाली मोसाद में पहली बार दो महिलाएं बड़े पदों पर कार्यभार संभालेंगी। मोसाद की ओर से जारी प्रेस रिलीज में ये जानकारी दी है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की ओर से बताया गया है कि एजेंसी में अब दो महिलाएं अलफ और कुफ टॉप पोजीशन में काम करेंगी। इनमें कुफ पहले से ही बतौर ईरान डेस्क की हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं। हालांकि मोसाद ने नियुक्ति के बाद महिला की तस्वीर ब्लर करके जारी की हैं ताकि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। इसराइल के प्रधानमंत्री ऑफिस से जारी एक बयान के अनुसार अलफ पिछले 20 सालों से एजेंसी में अपनी सेवाएं दे रही हैं। अब उनकी नई पोजीशन IDF इसराइल डिफेंस फोर्स के मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड बराबर होगी। मोसाद में अलफ को डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंट की जिम्मेदारी दी गई है। अलफ अब राष्ट्रीय स्तर पर कई मुद्दों को देखेंगी। इनमें ईरानी परमाणु कार्यक्रम, वैश्विक आतंकवाद शामिल होगा। इसके बाद ही अलफ मोसाद के सभी ऑपरेशन में इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी लेंगी, साथ ही मोसाद से जुड़ी सैकड़ों कर्मचारियों को भी मैनेज करेंगी। करीब 2 महीने पहले एक अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम में अलफ ने कहा था कि वे इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सुरक्षा क्षेत्र में महिलाओं को उनकी क्षमता और प्रभाव का एहसास दिलाने के लिए करेंगी। वहीं ईरान डेस्क के हेड कुफ की दुश्मन देश की ओर से होने वाली सभी तरफ के खतरों के खिलाफ रणनीति बनाने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही कुफ, मोसाद, IDF व अन्य इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के बीच ऑपरेशनल, तकनीकी और खुफिया ब्रांच में समन्वय रखने का काम भी करेंगी। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट ने अलफ और कुफ को मोसाद में बड़ा पद मिलने पर खुशी जताते हुए इसे अच्छा फैसला बताया है। नेफ्टाली बेनेट ने कहा है कि पिछले ही हफ्ते मेरी दोनों के साथ एक ज़रूरी काम को लेकर मीटिंग में मुलाकात हुई थी। उन्होंने आगे कहा है कि इस दौरान मुझे महसूस हुआ कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सही लोगों के पास है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भी ईरान के साथ मुद्दे को अभी नेफ्टली ही संभाल रहे हैं। मोसाद के चीफ डेविड वानवाही मोसाद के चीफ डेविड वानवे ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि जब भी कोई मोसाद में प्रवेश कर जाता है तो वो पुरुष हो या महिला, सभी को समान रूप से देखा जाता है। मोसाद चीफ ने आगे कहा है कि मोसाद में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने एजेंट से लेकर कई बड़ी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला है। डेविड वालिया ने आगे कहा है कि मोसाद के दरवाजे पुरुष हों या महिला, सभी के लिए खुले हुए हैं। बस मैटर ये करता है कि वे किस रोल में फिट बैठेंगे। डेविड वालिया ने आगे कहा है कि मोसाद के लिए ज़रूरी है कि इसराइल की महिलाओं को एजेंसी में मिलने वाली बेहिसाब मौक़ों के बारे में बताया जाए। आपको बता दें मोसाद पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा खूंखार और अलर्ट खुफिया एजेंसी कही जाती है। अक्सर मोसाद की महिला एजेंट चर्चा में बनी रहती हैं। मोसाद की कई महिला एजेंट ने बड़े बड़े मिशनों पर खुद को साबित कर दिखाया है। ऐसे में पहली बार मोसाद में 2 महिलाओं को इतनी बड़ी पोस्ट पर नियुक्त किया जाना एक देश के लिए बड़ी बात है। अभी के लिए सिर्फ इतना है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।